ये आदमी बांग्लादेश से शादी किया है सऊदी लड़की से। एक बार फिर सऊदी अरब में एक बंगाली ने सऊदी लड़की से शादी कर लिया। क्या है पूरा माजरा? क्योंकि इस भाई का जो कहना है, इसने कहा है कि ये सऊदी लड़की से शादी किया। ये 28 साल से सऊदी अरब में काम कर रहा था, जहाँ पे काम कर रहा था उसने अपने लड़की के साथ शादी करा दिया। तो हकीकत क्या है? काफ़ी लोगों को हकीकत मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अरबी तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है और पूरा अरबी तो मालूम नहीं, इसकी वजह से अंदाज़ा लगा कर ये बोल देते हैं कि यहाँ पर सऊदी लड़की ने बंगाली लड़के से शादी कर लिया है। तो मैं इस वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा सच में सऊदी लड़की है या कोई और है, या पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है। तो मैं आपको एक एक वीडियो दिखाऊंगा और आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे ये सऊदी लड़की है या बाहर देश की है। तो सऊदी अरब में यहाँ पे शादी करना अब आसान है, यहाँ पे रहकर आप शादी कर सकते हैं। इससे पहले भी एक बांग्लादेश के लड़का ने यहाँ पे रहकर शादी किया और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और सब ने उसकी तारीफ़ की और उनके उसके कफ़ील के भी तारीफ़ किया कि ये बहुत अच्छा है और इनका भी जो कफ़ील है वो बहुत अच्छा है और ये 28 साल से सऊदी अरब में काम कर रहा है। जिसके साथ इसने शादी किया है उस लड़की का आवाज़ भी मैं सुनाऊंगा। इस वीडियो को आप सही से देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये सऊदी लड़की है या बाहर की लड़की है। लेकिन शादी सच में हुआ है और 28 साल गुजारने के बाद इनका जो शादी कराया गया, इनके दिल का जो घबराहट है वो बढ़ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घबराया हुआ है, लेकिन जब इसका शादी कराया गया बाद में ये बहुत खुश हुआ और हर जगह इनको घुमाया जा रहा है, हर जगह सऊदी ड्रेस में घुमाया जा रहा है ताकि इनको अच्छा लगे। और ये तारीफ भी कर रहा है कि हमारा जो कफील है उनका दिल है ना समंदर जैसा है, समंदर जैसा बड़ा है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और सऊदी अरब भी बहुत अच्छा है, इस तरह का ये तारीफ कर रहा है। तो इनका नाम है हारून और जो जिसके साथ शादी हुआ है, इसकी जो बीवी है उसका नाम है रूमा और ये अल हसा में शादी हुआ है। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें उसके बाद हम बात करते हैं। जिन भाइयों को अरबी समझ नहीं आ रही तो मैं उनको समझाता हूँ, लेकिन उसकी बेटी ने कहा मैं ऐसे शादी करती हूँ तो ये डरा हुआ है, ये बोलते मैं शादी नहीं करता, लेकिन वो कह रहे हैं खौफ नहीं कर, आप हमारे भाई की तरह हैं, बिल्कुल खौफ नहीं करो, आपको हम शादी दे रहे हैं। लड़की तो मान गई, लड़का डरा हुआ है, समझ नहीं है। شنو شفت هنا؟ انا شفت هذا الحس هذا حلو هذا 100 بعد شو بوشت هذا ما شاء الله حلو كل شيء ان شاء الله كويس انا شو تقول يا ولد عمي هو شاف اشياء قديمه زي البيت القديم قصر ابراهيم شنو بالوس ذكر متو سندرس ايوه شنو سندر 100 سندر زين ذكر متو الحس ভালো লাগতেছে আমার আমার ম্যাডামের কাছে ভালো লাগতেছে এশ কালাম ইয়া রোমা ভালো লাগতেছে এখানে ঠিক আছে আল হাসা এই হ্যাঁ يعني كل نفر يجي هنا كل نفر انا يجي 100% مبسوط مبسوط ان شاء الله انا يجي مبسوط كل نفر تعال انا تكلم بالبنغلاديش بسرعه تكلم بنغالي حياك قل لهم تعالوا هنا حياكم الله حياكم الله ان شاء الله بالبنغلاديش بنغلاديش ان شاء الله كل نفر يجي। और इसके शादी में इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली सबको बुलाया गया है क्योंकि बारात भी आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बारात शादी में ना आए वो शादी नहीं माना जाता है। खाना अच्छा अच्छा खिलाया गया है और इनके हनीमून का भी इंतज़ाम किया गया है और इनका वीडियो अभी सोशल मीडिया पे तबाही मचा रहा है। अरब लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि 28 साल गुजारने के बाद जब शादी किया गया है तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी इसने कहा है वो सब गलत है, झूठ है। इसका नाम हारून है और सऊदी अरब में 28 साल गुजारने के बाद ये सऊदी अरब से जाता भी था 4-5 साल पे, लेकिन इसका शादी यहाँ पे नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। बांग्लादेश में इनकी शादी हो चुकी है और इनके पास बीवी भी है, लेकिन ये 4 साल से सऊदी अरब से नहीं जा पा रहा था, यहीं पे था। तो इनका कफील ने इनके बीवी को डायरेक्ट बांग्लादेश से बुलाकर इनके सामने में बैठा दिया। तो इनको इतना ज़्यादा खुशी हुई और बाद में इनको दोबारा सही से यहाँ के तौर तरीके से शादी कराया गया। तो ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई सऊदी लड़की से शादी हुआ, ऐसा नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पे हकीकत यही है और आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं। ये लड़की बांग्लादेश में बोल रही है, यानी बंगला में बोल रही है। तो आप लोग इनके जुबान से ही सुन लीजिए ये कहाँ के है और कौन सा भाषा ये बोलते हैं। हेलो अकेल गिल्ला 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 कलाम बंगाली खाना तो कोई बलोसा है।
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये सऊदी लड़की है या बांग्लादेश की है। तो लड़की भी बांग्लादेश की है और ये भी बांग्लादेश के हैं, यानी पहले इनकी शादी हो चुकी है लेकिन इनको बिना बताए इनके बीवी को डायरेक्ट सऊदी अरब में लाया गया और यहाँ पे फिर से शादी कराया गया, यानी शादी के माहौल में इनको ढाला गया है। उसके बाद इनको चारों तरफ घुमाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है ताकि लोग देखें और खुश हो जाए और इनके जो कफ़ील है उनका नाम चले कि इतना अच्छा कफ़ील किसी किसी को मिलता है। और इस तरह का कफ़ील सही में सबको मिलना चाहिए ताकि यहाँ पे उनकी कदर की जाए और जो भी परेशानी है ये अपने भाई की तरह, यानी बड़े भाई की तरह मान रहा है इसको, क्योंकि 28 साल जहाँ पे ज़िंदगी गुजारा है, जिनके लिए काम किया है, उनका भी तो हक बनता है कि इनको थोड़ा सरप्राइज दिया जाए, इनको खुश किया जाए और इनकी खुशी इनके बीवी को आने पे मिली है तो अच्छी बात है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सऊदी लड़की है तो ऐसा नहीं मेरे भाई, ये सब झूठ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी नहीं जानते अरबी वो भी इस वीडियो को देखकर जान पाए, नहीं तो काफ़ी लोग यही समझते हैं कि बंगाली लड़का का शादी सऊदी लड़की के साथ हुआ है तो ऐसा कोई न समझ पाए, क्योंकि काफ़ी लोग अरबी नहीं समझते हैं, इशारा इशारा में ही आप समझ जाते हैं कि भाई ये सच में हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी अफवाह फैलाया गया था लेकिन वो भी गलत था, वो भी बंगाली लड़की थी और बंगाली लड़का था तो दोनों का शादी कराया गया, तो यहाँ पे वही बात हुआ है।